हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका मूड अभी इस समय कैसा है आपके लिए। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि इनका मूड जो है, आपके पार्टनर का मूड अभी इस समय कैसा है। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, और आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बुरा लग रहा है देख करके। आप लोग रीडिंग देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करने के नाम पे पता नहीं क्या हो जा रहा है आपको, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने ब्लॉकेजेस को दिखा रहे हो कि मेरे अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि आप किसी को नहीं चाहते हो सपोर्ट करना, ठीक है? तो मुझे कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस जो है आपके दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से आप किसी को सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है? तो अपने ब्लॉकेजेस को हटाओ, ख़त्म करो और सपोर्ट करो, ठीक? सो आप सबसे मैं यही कहूँगी। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका मूड अभी इस समय कैसा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। आपका भी मूड मैं चेक करने वाली हूँ आज। आज जो है आपका भी मूड मुझे मन कर रहा है चेक करने का। तो चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी। ओके, अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आपका मूड अभी इस समय कैसा है। आपका पहले कार्ड निकालेंगे ताकि देखेंगे हम, ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स। आपका मूड अभी तो फिलहाल आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हो, जैसे कि आप जो है ना परेशान मुझे दिख रहे हो, परेशान, ठीक है? आपकी ऐसी एनर्जी ही है कि बहुत ज़्यादा परेशान मुझे आप दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। यानी कि आपकी एनर्जी, एक मिनट, ये क्यों हो रहा है बार बार, सॉरी थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से आप यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ के लिए। आपका मूड काफ़ी कन्फ्यूज है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आपके लिए क्या डिसीजन बेटर रहेगा आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, है ना, पूरी लाइफ के लिए आपके लिए क्या डिसीजन सही रहेगा, आपको कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, और आप इसी वजह से कंफ्यूजन में हो। आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको आखिर करना क्या है अपनी लाइफ में, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी है, द हर्मिट का कार्ड है, ओके, और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ रॉड्स, ये आपके एनर्जी में निकाल रही हूँ। यहाँ पे टू ऑफ रॉड्स एंड है जस्टिस का कार्ड। ओके, तो अभी इस समय मैं आपका मूड देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि आपका मूड हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है अंदर से, जो है ना, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। मुझे लगता है कि अभी आप इस वक्त बहुत अकेले में बैठे भी होंगे, चाहे अपने रूम में बैठे हो या फिर बाहर बैठे हो, वो चांद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैठ करके शांत से होकर के वो चांद को देखते हुए दिख रहे हो। आप एकदम से ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि बस सोचे जा रहे हो, डूबे हुए हो अपने पार्टनर के ख्यालों में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। उस वक्त को याद कर रहे हो आप, जिस वक्त आप दोनों कितनी अच्छी बॉन्डिंग में थे, उस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिस वक्त आपके पार्टनर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, ठीक है? आपकी खूबसूरती, आपकी अदाएं, आपकी बातें, है ना, आपके पार्टनर को किस तरीके से आपके तरफ अट्रैक्ट करती थी, लुभाती थी, वो जो है आप याद करते हुए दिख रहे हो मुझे। साथ ही साथ आपका मूड इतना खराब है
कि आप अपने किसी दोस्त से, किसी भी दोस्त से बात करने के बारे में भी सोच रहे हो, उसके साथ कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, कहीं प्लानिंग कर रहे हो कि कहीं पार्लर चलते हैं, स्पा करवाते हैं, अपनी ब्यूटी पे फोकस करते हैं, मैनिक्योर करवाते हैं, पेडिक्योर करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो कि यार चल ना यहाँ पे चलते हैं, चल ना वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो आपका माइंड, आप अपना माइंड चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपका माइंड है अंदर से डिस्टर्ब, और आप रो ना दो, आपकी तकलीफ बाहर ना निकल जाए, इसकी वजह से आप जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आपको इंतजार है अपने पार्टनर का, आप बार बार अपने मोबाइल पे आ रहे हैं, कोई भी मैसेज आता है तो सबसे पहले चेक करते हो, कहीं उसका तो मैसेज नहीं आया, कहीं उसका तो कॉल नहीं आया, है ना। तो आप बार बार ये करते हुए मुझे दिख रहे हो, साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आप इंतजार में हो, बस आप इंतजार कर रहे हो। मुझे लगता है कुछ लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार चल रहा है, और 2 दिनों से आपको और ज्यादा बेचैनी मुझे दिख रही है। अभी भी आपका सपना है, आपको पूरी दुनिया घूमनी है, पूरी दुनिया आपके हाथों में आनी चाहिए, ठीक है, आपका सपना बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लव रिलेशनशिप में आपके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं कि आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ जस्टिस तो हुआ ही नहीं, मैं तो यहाँ पे खाली हूँ, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे तो मैं बस अकेली रह गई हूँ या अकेला रह गया हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे अकेलापन जो है ना वो मुझे दिखता हुआ दिख रहा है, अकेलापन जो है ना आपके पार्टनर को फील होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अकेलापन मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिलेशन है, अभी मूड आपका बस यही हो रहा है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, है ना, मुझे अब भगवान जस्टिस दो, मुझे अब जस्टिस दो, ठीक है, जैसे भी जस्टिस देना है मुझे जस्टिस दो, ठीक है। तो आप जस्टिस की डिमांड करते हुए दिख रहे हो, ओके। आपके पार्टनर के कार्ड में निकालती हूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द हैंगमैन है, 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे है चैरियट की एनर्जी, हैरफेंट, मैजिशियन, एंड है मेरे पास यहाँ पे द लवर्स, ओहो द लवर्स की एनर्जी, ओके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, देखो आपके पार्टनर का मूड मैं देखूँ अभी तो, देखो इनका भी मूड अभी ठीक नहीं है, है ना, इनका भी मूड अभी ठीक नहीं है, मुझे जहां तक दिख रहा है। इस पर्सन ने आज अपने फैमिली से आपके बारे में बातें की हैं, ठीक है, आपके बारे में बातें की हैं कि क्या करना है उसके लिए, क्या करना है, उसको रखना है नहीं रखना है, अपनी जिंदगी में मैं लेकर के आऊं या नहीं आऊं, आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो सोच रखा है अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है अपने पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर ने बात किया है आपके साथ रहने के लिए, मतलब कि मैरिज करने के लिए, चाहे आप इंटरकास्ट क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रीति रिवाजों में भी काफी डिफरेंस होगी, ठीक, जिसकी वजह से इनके फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते होंगे या आपको नहीं चाहते होंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत डीपली आज इन्होंने सोचा था और फाइनली आज इन्होंने बात करी, ठीक है, बात करी है, और इनको वहां से अपनी फैमिली की तरफ से इनको पॉजिटिव साइन नहीं दिखा है, इनको वहां से पॉजिटिव साइन नहीं दिखा है, और पॉजिटिव साइन नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा लॉस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप अब कभी बन नहीं पाएगा, इनका मूड बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अपने अंदर तकलीफ में है, अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर ये एक जो होता है ना कि जख्मी भरा दिल जो है ना ये पर्सन लिए हुए है, जख्म अपने अंदर ये पर्सन पाल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको देखो इनकी लड़ाई भी हुई है,
इनकी लड़ाई भी हुई है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनकी लड़ाई हुई है और लड़ाई होने की वजह से मुझे दिख रहा है कि ये टेंशन में है। आज इनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये स्टैंड ले रहे हैं फाइनली अब आपके लिए। बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड ही नहीं लिया, आपको कुछ भी नहीं बताया, आपके साथ रहना है नहीं रहना है, क्या करना है नहीं करना है, है ना। इस पर्सन ने आपको बताया ही नहीं। अब ये पर्सन का फाइनल है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और मैं ये फीलिंग्स आप लोगों के लिए चेंज नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो है सो है, अगर मैं प्यार करता हूँ उसे तो करता हूँ, है ना, प्यार करता हूँ तो करता हूँ, इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, आप अपने जगह सही हो मैं अपने जगह सही हूँ। तो आपके पार्टनर का मेन है कि आपके पार्टनर देखो अपने पेरेंट्स को कोई तकलीफ में नहीं देख सकता, है ना, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो। तो वही है कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के दबाव में काफी ज्यादा है और ये पर्सन वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। खैर ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे किसी ना किसी की हेल्प ये लेने वाले हैं, किसी ना किसी से जो है ना डिस्कस कर रहे हैं ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम। इनका मूड इतना ज्यादा गुस्से में है, इतना ज्यादा गुस्से में है और इतने ज्यादा ये गुस्से में होकर के भी किसी से जो है यहाँ पे एडवाइस ले रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, आप मुझे गाइड कर दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ये पर्सन का दिख रहा है मुझे और ये जो पर्सन है फाइनली आप दोनों के बीच जो जो अलगाव हुआ है उस अलगाव को खत्म करने के लिए ये अपना जो है फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। इनके दिल में है, इनके मन में है, इनका मूड तो कर रहा है कि अभी के अभी जस्ट आपसे बात कर ले। कुछ लोगों का तो कॉल आएगा, कुछ लोगों का कॉल आएगा 7 घंटों में आएगा, 7 आवर्स में आपके पार्टनर का कॉल आएगा ही आएगा कुछ लोगों का। कुछ लोगों का जिनका नहीं आएगा उनको वेट करना होगा अभी, क्योंकि दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो जैसे जैसे आपके पार्टनर वैसे वैसे आपके तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनका मूड अभी फिलहाल खराब है, गुस्से में है ये पर्सन, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की रिप्लाई होगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।